आई संजवानी यार फिर से न आई, सुचला तो गैला बाबू कुछ न भेटाई। आई संजवानी यार फिर से न आई, सुचला तो गैला बाबू कुछ न भेटाई। दुबई में दिल बोले खम सिम कमर डोले, लूट ले तू सारा दुनिया। दुबई में दिल बोले खम सिम कमर डोले, लूट ले तू सारा दुनिया। ताजा ताजा हरियर हरियर लऊ के राजा, ले लो जिए के मजा, ले लो जिए के मजा। ताजा ताजा हरियर हरियर लऊ के राजा, ले लो जिए के मजा, ले लो जिए के मजा। जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के सेमी फाइनलिस्ट मेम साहब लोग के। आप लोग अपने पॉडियम पे जा सकती हैं। तालियां। दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी, नाना नानी, सबके विनय आनंद के प्रणाम। आप सभी के स्वागत बा राउर चहेता शो में, जेकर नाम बा पार्ले मजेलो फ्रूट जेली बिग मेम साहब सीजन 8 एग्जीबिटेड बाय डावर रेड टेस्ट में। पिछला हफ्ता के सेमीफाइनल के जबरदस्त संघर्ष के बाद हमनी के मिल गईल बाड़ी दू गो फाइनलिस्ट मेम साहब, एक नीतू मेम साहब और दो पूजा मेम साहब। तो शुरू कैल जाओ आज के दूसरा हफ्ता के सेमीफाइनल के महामुकाबला। जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के सबसे हसीन, सबसे बेहतरीन जज, जिंकर अदा और हुस्न के दुनिया कायल बा रिंकू घोष जी और मधु शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं हमारी सेमीफाइनलिस्ट मेम साहब से, नीलम जी, विजेता जी, सोनम जी और चौथी मेम साहब कहाँ है? चौथी मेम साहब सरप्राइज है आपके लिए विनय जी। जैसे पिछली बार हमने बताया था कि दो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, एक की एंट्री पिछली बार हो गई थी, एक बाकी है जो आज आएगी। काफी टैलेंटेड थी बट कुछ कारणवश पिछली टाइम एलिमिनेट हो गई। Okay. तो हमने उन्हें चांस दिया है कि वो इस बार आएं और अपना हुनर दिखाएं। अच्छा, हाँ जी। ओए, चौथी मेम साहब इधर है। अरे वाह, समझे, ये है चौथी मेम साहब। तालियां 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 तालियां। माना कि चाची उदास है लेकिन नेक कंटेस्टेंट और ये बहुरिया कुछ खासम खास है। किस लिए खासम खास है? क्योंकि ये बहुरिया यहाँ से जाने के बाद और यहाँ आने से पहले लोगों को इंस्पायर कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी, लोगों को आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर रही थी, लोगों का समाज सेवा कर रही थी, गांव में, गली में, हर जगह सुलभ शौचालय से लेकर शिक्षा तक। यही वजह है
कि मैं इसको इस मंच पे लेकर आई ताकि इसकी इस बुलंद आवाज को यह पूरा देश सुन सके, हमारा बिहार सुन सके, हमारा यूपी सुन सके, हमारा झारखंड सुन सके और 25 करोड़ भोजपुरी पूरा समाज सुन सके इस बिग मैम साहब के मंच से। तो जूली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग मैम साहब सीजन 8 के मंच पे दोबारा। जी थैंक यू। तो आइए पॉडियम पे आ जाइए। सुनो, जब चाची उड़ेगी तो उसके नीचे जमीन नहीं होगी। कितना भी मेरे हौसले को कोई कम करे लेकिन चाची में कभी एनर्जी की कमी नहीं होगी। ठोको ताली। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिग मैम साहब सीजन 8 की जो विनर बनेंगी उन्हें मिलेगा पूरा 151,000 रुपए का नगद इनाम। और यही नहीं, उप विजेता को मिलेगा 51,000 रुपए का नगद इनाम। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है डाबर रेड पेस्ट कमरिया लचकेरे। और सबसे पहले बुलाते हैं नीलम जी को। आइए नीलम जी। मधु जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा धक्क चक्कर परफॉर्मेंस था। थैंक यू। मजा आ गया आपको देख के। और आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं और साथ ही में डांस करते टाइम आपके इतने प्यारे एक्सप्रेशंस, वेरी नाइस। थैंक यू। रिंकू जी, इसे कहते अपने लिए डांस करना। जी एकदम खुल के मन से, मतलब खुश होकर डांस करना। और आज आपने वही किया, एक्सप्रेशंस माइंड ब्लोइंग थे, बीट्स अच्छे थे, एनर्जी था, ग्रेस था और आपने बहुत खुल के डांस किया। सो आई एम आल्सो गिविंग यू अ 10। थैंक यू। मधु जी आप क्या मार्क्स देंगी? 10। तो आइए बुलाते हैं हमारी अगली मेम साहब विजेता शेखर जी के। आइए विजेता जी। काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली
के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। हर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। रिंकू जी कैसा लगा? ये गाना मुझे बहुत पसंद है और आपने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत इनोसेंटली डांस किया, पर मुझे लगा आज आपकी एनर्जी थोड़ी कम है। तो एनर्जी, क्योंकि हमको पता है कि आपकी एनर्जी क्या है, उस हिसाब से मुझे कम लगी और इस वजह से आपने है ना लास्ट में स्टेप्स छोड़ना शुरू कर दिया, एक्सप्रेशंस भी छोड़ना शुरू कर दिया आपने, तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ आर्ट। मधु जी, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है और आपने जब शुरुआत किया ना फुल एनर्जी के साथ शुरू किया था, थोड़ा लास्ट में आपका स्टेमिना कम या थक गए थे आप, उस कारण थोड़े बहुत 19-20 हुआ, लेकिन फिर भी आपके इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपका सिर्फ एक मार्क काट रही हूँ और आपको दे रही हूँ 9। थैंक यू मैम। हे भगवान जी बामन हो जाए, चेंज कब ले होई हमार लाइफ स्टाइल। चला हे भगवान जी बामन हो जाए, चेंज कब होई हमार लाइफ स्टाइल। अरे दिने में सपना मौत देखा भाई। हे भगवान जी बामन हो जाए, चेंज कब होई हमार लाइफ स्टाइल। ब्यूटीफुल बेबी है हाथ में मोबाइल। हेलो के बोला था? हम तो बबली हम तो बबली बोला तानी, हम बाड़ा खोजतानी, हम तो बबली बोला तानी, हम बाड़ा खोजतानी। देखे में लगे स्मार्ट हो, कब्र जवान के पास छोड़ा बुढ़ो के धर के हाथ हो। हेलो कहाँ बड़ा डाले अभी तक गईला ना। नंबर नोट करा 9565133622 समझ लो तू। हाय चिकनी चिकनी गोरी बदनिया, देखे में लगे स्मार्ट हो, जवान के बात छोड़ा बुढ़ो घर के हाथ हो। हेलो के बोला था? हम तो बबली हम तो बबली बोला था। रीमा जी, क्या डांस किया है आपने, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आई हैं, और आप हमारी चारों मेम साहब को क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरे चारों मेम साहब लोगों को मेरा प्रणाम, जजेस को मेरा प्रणाम, और विनय जी आपको तो मेरा। अरे आप तो मेरी ही अच्छी सहेली हैं, ऐसी क्या बात। और बिग मेम साहब सीजन 8 मैं स्टार्टिंग से देखते आ रही हूँ, एक से एक परफॉर्मेंस आप लोगों के देखा है मैंने, मुझे खुशी है कि मैं सेमीफिनाले में आई हूँ,
तो आज मैं ये चारों मेम साहबों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए सीमा जी, आप कुर्सी पे विराजी, आइए। ऑल द बेस्ट। तो सीमा सिंह जी भी आ गई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारे राउंड को, जिसका नाम है डाबर रेड पेस्ट कमरिया लचके रे। और अब बुलाते हैं सोनम मेम साहब को, आइए। अच्छी कोशिश थी। क्या होता है ना कि फास्ट डांस से स्लो डांस करना ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज स्लो डांस में ग्रेस एकदम ज्यादा चाहिए होता है, अदाएं चाहिए होती है, नजाकत, सॉफ्ट मोमेंट्स और हैंड के पॉस्चर्स, लेग के पॉस्चर्स, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो स्लो डांस फास्ट डांस से ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे ओके ओके लगा, इसलिए मैं आपको देती हूँ। थैंक यू मैम। मधु जी, सोनम जी, मुझे ये परफॉर्मेंस सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस नहीं लगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज आपसे पहले जो दो लोग डांस करके गए हैं वो डांस में बहुत कमाल हैं। तो अभी सिंस आपके यहाँ मार्क्स कम होंगे, आपको बाकी राउंड्स में बटोरने पड़ेंगे मार्क्स। आई गिव यू 6। सीमा जी, आपको कैसा लगा? जजेस तो सब बोल ही चुके हैं, छो दो लाइन बोलूंगी, स्वीट एंड सॉफ्ट परफॉर्मेंस था। तो आइए अब बुलाते हैं जूली जी के, आइए जूली जी।
झूमते तुमको तुमसे मेरे झूमते तुमको तुमसे ना चुरा ले तो कहना रिंकू जी, ये तो गाना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और आप अच्छी लग भी रही हैं और अच्छा किया भी आपने, पर फिर भी मुझे लगा कि पोस्चर्स और बेटर हो सकते हैं और जितने इस गाने की जरूरत थी उतनी आप में एनर्जी थी और आपने अच्छा किया, इट वाज नाइस, आई एम गिविंग यू 7। थैंक यू। सीमा जी, आपको कैसा लगा? मैंने तो फुल इंजॉय किया, सॉन्ग स्पेशली बहुत अच्छा था और ये तो भूल गई आजू बाजू कोई है भी कि हम लोग देख भी रहे हैं, अपने में एकदम मगन थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। थैंक यू। मधु जी, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने हंस के पूरा गाना खत्म किया। थैंक यू। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, प्यारी सी लग रही हैं। थैंक यू। बाकी चीजें तो आपको बारीकियां रिंकू जी ने समझाई दी हैं। जी जी। तो मैं आपको देती हूँ 6। थैंक यू। और अभी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी जो जज है मधु जी और हमारी आज की स्पेशल गेस्ट जज हैं सीमा जी, दोनों चाहती हैं कि रिंकू घोष जी इसमें डांस करें, तो जोरदार तालियां हो जाए रिंकू जी के लिए। चाची के बिना तू सब कुछ शुरू। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी नहीं, बेटी बोल, बेटी। अरे दीदी, अपनी उम्र का लिहाज कर चाची। लिहाज क्या कर रही हूँ, मेकअप हटा, मेरे से 10 साल बूढ़ी निकलेगी। हाय रा चाची। क्या चाची? शोभा नहीं देता है, बेटी बोलो। बेटी बोलो, ये हमको बेटी बोलने के लिए बोल रहे, इसको मैं तब से जानती जब ये सीमा से पहले सुरेश हुआ करती थी। ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, पहली फिल्म इसने लिट्टी चोखा पे साइन की थी, तब से मैं जानती हूँ इसको। लिट्टी चोखा तो मैंने खाया है, लेकिन कब साइन की थी? 72 में। मेरे पास जवाब नहीं देने के लिए। 28% GST काट ली, वरना 60 बोलने वाली थी। वैसे मैं बता दूँ, सीमा का मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या डांस करती थी, स्कूल में भी जाती थी, टीचर पूछते थे बेटी क्या करोगी, बोलती थी डांस करेगी, केमिस्ट्री की क्लास में डांस करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, जिसका नाम है पार्ले मजे लो स्मार्ट मेम साहब। तो स्मार्ट मेम साहब में आपको करना क्या मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पार्ले मजे लो फ्रूट जेली व्हील लगी हुई है, आपको आना है, एरो को घुमाना है और जहाँ एरो रुकेगा उसके मुताबिक हम आपको सवाल पूछेंगे। अगर सिनेमा घर में रुकेगा तो सिनेमा से जुड़ल हम रवा लोग से सवाल पूछ। अब तो तैयार हैं,
तो नीलम जी सबसे पहले आइए। रिश्ते नाते, आपका पहला सवाल है रिश्ते नाते से, आपके भाई की माँ के दामाद का बेटा आपका कौन लगेगा? बेटा। सही जवाब। आपके लिए दूसरा सवाल है, आपकी सासू माँ की बेटी के भाई की माँ आपकी क्या लगेगी? सासू माँ। सही जवाब। तो नीलम जी ने तो दोनों सवालों का सही जवाब दिया। आइए अब बुलाते हैं विजेता जी को। आइए विजेता जी। कथा कहानी, आपका पहला सवाल है, मान्यताओं के अनुसार शनि देव को कौन से रंग का वस्त्र चढ़ाया जाता है? काला। सही जवाब। आपका दूसरा सवाल, मान्यताओं के अनुसार रावण के किस पुत्र ने इंद्रदेव को हराया था? समय समाप्त। मेघनाथ। तो आइए अभी बुलाते हैं सोनम जी को। आइए सोनम जी। सनीमा घर, फिल्म अभिनेत्री विपाशा बासु के पति कौन है? करण सिंह। पूरा नाम? करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर। सही जवाब। आपके लिए दूसरा सवाल है, मशहूर फिल्म मुगले आजम के निर्देशक कौन है? नहीं पता। के आसिफ जी करेक्ट आंसर है। तो आइए अब देखते हैं कि जूली जी कितना अच्छा खेलेंगी। आइए जूली जी। उल्टा पुल्टा, तो उल्टा पुल्टा का आपके लिए पहला सवाल है, कुत्ते फरवरी के बजाय जनवरी में ज्यादा क्यों भौंकते हैं? क्योंकि फरवरी का होता है 28 दिन का होता है वो। सही जवाब। आपका दूसरा सवाल है, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता है, तो मोर के बच्चे आते कहां से हैं? टाइम अप हो गया, मैं बता दूं आपको, क्योंकि अंडे मोर नहीं देती है, मोर नहीं। तो चारों मेम साहब ने अच्छा खेला है, अब कितना अच्छा खेला है, कितने मार्क्स मिले हैं, चलते हैं जजेस के पास। तो रिंकू जी क्या मार्क्स देंगे आप नीलम जी को? नीलम जी ने दोनों सही जवाब दिए हैं, तो उनको 10। और क्या मार्क्स देंगी विजेता जी को मधु जी? एक सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मिलते हैं 5। रिंकू जी क्या मार्क्स देंगी सोनम जी? एक सही जवाब के लिए 5। क्या मार्क्स मिलेंगे देखते हैं जूली जी को मधु जी? एक सवाल का सही जवाब दिया, मिलते हैं 5। साइंस सेमीफाइनल के आगे बराबर जाओ और शुरू कर जाओ आज के तीसरा राउंड, जेकर नाम बा किचन क्वीन। तो चलिए अपने जजेस लोगों से पूछते हैं कि इन्होंने क्या टास्क दिया है, क्या आज बनाने के लिए कहेंगी। तो मैं रिंकू जी से पूछना चाहूंगा मधु जी से कि क्या आप लोग ने डिसाइड किया है?
आज हमारे बीच में हमारी गेस्ट आई हुई है सीमा सिंह जी। यस। तो हम चाहते हैं कि वही अपनी फरमाइश बोले। ग्रेट। तो सीमा जी क्या सोचा है आपने? मैंने एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा डिश सोचा है, आलू सेव शकरकंदी चाट। ओ ग्रेट, मेरे मुंह में तो पानी आ गया और नलकी में भी इतना पानी नहीं आता होगा जितना खाना देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आता है। चलो मैम साहब आइए। तो चलो मैम साहब है तैयार जी। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। वाकई में हमारी चारों मेम साहब लगता है कि किचन की क्वीन है और बहुत फास्ट है। क्या बात, वेरी गुड। अरट जाता मिर्चाई मत डाले हम क्या फाइल्स के प्रॉब्लम बा। थोड़ा सा कम डालिए। क्या बात, तो विजेता जी ने तो भाई बना दिया चाट। वाह, 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप। तो चाट यहाँ बन के तैयार है। तो चलिए अपने जजेस को बुला लेते हैं। सो रिंकू जी, सीमा जी, मधु जी प्लीज आइए। रिंकू जी क्या मार्क्स दे रही हैं आप? नीलम जी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, इट वाज नाइस, टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन और बेटर हो सकता था, थोड़ा उसमें चाट मसाला अगर होता तो और ज़्यादा बढ़िया आता। सो टेस्ट के लिए मैं आपको दे रही हूँ 4 और प्रेजेंटेशन के लिए दे रही मैं आपको 3। मधु जी। नीलम जी मुझे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और टेस्ट भी अच्छा लगा, थोड़ा बेटर हो सकता था बट स्टिल एज अ चाट चटपटा मुझे लगा। इवन उसके अंदर मुझे शकरकंदी का टेस्ट भी आया, एप्पल का भी था, आलू का भी था और इमली की चटनी भी थी, तो एवरीथिंग वाज देयर, इट वाज नाइस। तो मैं आपको देती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए 3 और टेस्ट के लिए मैं आपको फुल 5 दे रही हूँ। सीमा जी आपने भी टेस्ट किया है तो आपको क्या लग रहा है, कैसा बनाया है इन लोगों ने? मैं थोड़ा सा चटपटा पसंद करती हूँ इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा टेस्ट, मुझे प्रेजेंटेशन और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा लगा। सीमा जी मैं तो आपको कई बार देख चुका हूँ लोखंडवाला में, जैसे हम भी अंधेरी में वहाँ पे बॉम्बे में लोखंडवाला में रहते हैं, आप भी रहती हैं, और एक बार हम भी जा रहे थे, हम भी चाट खाने के लिए आए और हमने आपको भी देखा। तो उसके पहले मैं चाट खा चुकी थी। यस, आप खा चुकी थी तो उससे पता चल जाता है कि आप चाट पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। यस। तो अब बढ़ते हैं विजेता जी के पास। तो विजेता जी को कितने मार्क्स मिलेंगे मधु जी से? विजेता जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, और प्लीज़ डरिए मत, लास्ट में मिर्ची मेरे मुंह में आई, इसके लिए मुझे थोड़ी सी, मैं हरी मिर्ची खाती नहीं हूँ तो मुझे उसके से प्रॉब्लम हुई। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए भी 5 दे रही हूँ और इवन टेस्ट के लिए 5, टोटल 10। विजेता जी बिल्कुल सही कहा मधु जी ने, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि शकरकंद के अंदर आपने वो धनिया का जो वो
पूरा पेड़ की तरह आपने सजाया उसको, और बहुत वो इनोवेटिव था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और टेस्ट पर्सनली मुझे तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सबसे ज़्यादा तीखा पसंद करती हूँ खाने में, मुझे बहुत पसंद आया। तो इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ 9 मार्क्स। सीमा जी, आपने विजेता जी का चार्ट चखा है? हाँ, मैंने कहा ना, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि कहा स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा था, हाँ, तो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि मैं स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो मुझे इनका टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी लगा और अच्छा लगा। अब बारी है सोनम जी की। सोनम जी का चार्ट आपको कैसा लगा? रिंकू जी, सोनम जी, प्रेजेंटेशन अच्छा था, नीट था, एंड वो जो आपने सेब के साथ जो आपने वो एक छोटा सा जहाज जैसे बनाया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन मुझे लगा कि और चटपटा उसमें होना चाहिए था, थोड़ा सा उसमें चटपटापन कम था। चाट है तो चटपटा होना ज़रूरी है, तो वो चटपटापन मुझे कम लगा। तो मैं आपको टेस्ट के लिए दे रही हूँ 3 एंड प्रेजेंटेशन के लिए दे रही हूँ 4, विच इज 7। मधु जी, मैं रिंकू जी से एकदम सहमत हूँ, आपके चार्ट में चटपटापन कम था, प्रेजेंटेशन किया था बहुत अच्छा था, खाली मुझे एक चीज़ खटकी, आपने सिर्फ एक धनिया पत्ते को उगाया था, या तो आप 3-4 थोड़ा रख दीजिए, वो ऐसे झाड़ की तरह उगा रखा था, मुझे सिर्फ वो चीज़ खटकी, तो उसके लिए मैंने आपका 1 मार्क काटा। आपको प्रेजेंटेशन के लिए मिलते हैं 4 और टेस्ट के लिए 3, टोटल 7। तो सोनम जी का चार्ट, सीमा जी आपको कैसा लगा? सेम बोलना चाहूंगी, टेस्टी था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और जैसे बाकी 2 का जो टेस्ट था उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट था हाँ, लेकिन चटपटा था। तो जूली जी अब एक्साइटेड हैं, थोड़ी सी सोच भी रही हैं कि पता नहीं क्या ये बोलेंगे, तो अब सोचना क्या है, अब पूछ ही लेते हैं। मधु जी, जूली जी का चार्ट जो इन्होंने बनाया कैसा लगा? जूली जी, आपका प्रेजेंटेशन इन तीनों के मुकाबले कमज़ोर था, और इवन टेस्ट फीका था। चाट कभी भी फीकी होगी तो वो चटपटी नहीं लगेगी। मैंने जब खा के देखा तो उसमें मुझे मसाले का टेस्ट इतना नहीं आया, चाट का भी नहीं आया। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए देती हूँ 2 और टेस्ट के लिए भी देती हूँ 2, टोटल 4। रिंकू जी, मैं मधु जी से सहमत हूँ, कंपेरेटिवली बाकी के तीनों से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत नॉर्मल थी। लाइक आपने उसको साइड में एक उसमें डाल के और साइड में आपने वो अनारदाना वो सब रख दिया था। और टेस्ट मुझे वाकई में थोड़ा सा फीका लगा कंपेरेटिवली टू अदर्स। चाट मतलब चटपटा होना चाहिए, उस वजह से हम चाट खाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको टेस्ट के लिए दे रही हूँ 3 एंड प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको दे रही हूँ 2, विच इज 5। सीमा जी, जैसा कि हमारे जजेस ने कहा चटपटा थोड़ा कम था, मेरे ख्याल से मैंने विजेता जी का चाट खाने के बाद जूली जी का चाट खाया है, तो मुझे टेस्ट सेम ही लग रहा था। तो यही बोलना चाहूँगी कि चारों का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था और चाट तो मेरे लिए तो चटपटा था। चारों मेम साहब ने दिखा दिया अपने हाथ का जादू, और इसी के साथ हमारा ये राउंड यहाँ होता समाप्त। हो चुके हैं आज के 3 राउंड पूरे, अब बारी है ये जानने की कि आज किसका टोटल मार्क्स कितना है और कौन बनेगी आज के एपिसोड की मेमसाब ऑफ द डे। तो मैं बता देता हूँ आप चारों के मार्क्स। नीलम जी, आपको मिले हैं 45। विजेता जी, आपको क्या लगता है कितने ज्यादा अंक मिले आपको? इतने कम होगा। कितना सही कहती हैं आप, 41। सोनम जी, आपको कितने ज्यादा मिलने चाहिए इनसे? कम, ये भी सही बोलती हैं यार, 31 मिले आपको भी। और जूली जी, आपको इन तीनों से कितने ज्यादा मिलने चाहिए? कम। तीनों से कम, ये भी एकदम सही बोल रही है, इनको भी 27 मिले हैं। तो इससे साबित हो गया है कि नीलम जी बाड़ी हमनी के आज के एपिसोड की मेमसाब ऑफ द डे। आइए नीलम जी।
मुबारक हो आपको पार्ले मजेलो फ्रूट जेली की तरफ से मिल रहा शानदार गिफ्ट हैम्पर, तो चलिए पार्ले मजेलो जोन में। बधाई हो, तीन अनोखे राउंड्स पूरे करके आप जीत गई हैं ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। जीत के मजे लीजिए पार्ले मजेलो फ्रूट जेली के साथ। नीलम जी, क्योंकि आप हैं आज के एपिसोड की मेमसाब ऑफ द डे, तो आप जाकर बैठिए डाबर रेड पेस्ट सुरक्षा क्षेत्र में, आप सेफ हो गई हैं और आगे की तैयारी करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जाइए। खत्म हो गए दूसरा हफ्ता के सेमीफाइनल में पहला दिन के महामुकाबला। कल के दिन भी जारी रही सेमीफाइनल के महामुकाबला। कल हुई तीन नया राउंड। कौन मेमसाब बनी है दबंग, के करी है दंग, अपना फेवरेट मेमसाब के जीत खातिर करी दुआ। पावरफुल एंटरटेनमेंट और पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ कल फिर हुई मुलाकात। तब तक खातिर अपनी विनय आनंद के दी इजाजत और देखल ना भूली पार्ले मजेलो फ्रूट जेले बिग मेम साहब सीजन 8 एग्जीबिटेड बाय डाबर रेड पेस्ट। शुभ रात्रि, गुड नाइट।